नमस्कार, मैं नैना, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 आईएएस अफसरों के तबादले, 6 जिलों के डीएम बदले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 जिलों के जिलाधिकारियों और सीडीओ के तबादले किए हैं। इनमें फतेहपुर, सुल्तानपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, झांसी और बरेली के जिलाधिकारी बदले गए हैं। बताया जाता है कि सुल्तानपुर में चिकित्सक हत्याकांड के बाद जिलाधिकारी का तबादला किया गया है। 2013 बैच की आईएएस सतेंद्र कुमार को महाराजगंज से हटाकर बाराबंकी का जिला अधिकारी बनाया गया है। 2015 बैच के आईएएस अनन्या झा को नगर आयुक्त मथुरा से हटाकर महाराजगंज का जिलाधिकारी बनाया गया है। बलिया के सीडीओ आईएएस प्रवीण वर्मा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ होंगे। आईएएस रविंद्र कुमार द्वितीय को झांसी के डीएम पद से हटाकर बरेली भेजा गया है। अवनीश कुमार को बाराबंकी डीएम पद से हटाकर झांसी का जिलाधिकारी बनाया गया है। आईएएस सी इंदुमती फतेहपुर और कृतिका ज्योत्सना सुल्तानपुर की जिलाधिकारी होंगी। भोपाल में देश का सबसे बड़ा एयर शो, चिनूक ने बनाई होल्डिंग पोजीशन, सूर्य किरण ने डायमंड शेप। भारतीय वायुसेना के 51वें स्थापना दिवस पर भोपाल में देश के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स, चिनूक, फाइटर जेट्स तेजस, सुखोई, सूर्य किरण समेत 65 विमानों ने आसमान में अपना शौर्य दिखाया। दो चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ऊपर पोजिशन होल्ड की। 9 सूर्यकरण विमानों ने 6000 फीट की ऊंचाई पर डायमंड शेप बनाया। भोजेश्वर महादेव के सम्मान में एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में त्रिशूल का आकार बनाया। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में छलांग लगाई। पृथ्वी फॉर्मेशन में C-130J सुपर हरकुलस AN-32 प्लेन ने शौर्य दिखाया। 5 जगुआर एयरक्राफ्ट्स ने शमशीर फॉर्मेशन में करतब दिखाए। सारंग टीम के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने दिल का शेप बनाया। एयर मार्शल AK भारती के अनुसार एयर शो की थीम पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज रखी गई थी। गुरुग्राम में कल से लागू होगा ग्रैप, दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। गुरुग्राम में 1 अक्टूबर से कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ को लेकर ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया जा रहा है। दिल्ली NCR की हवा प्रदूषित होने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब ग्रेप के तहत निर्देश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौसम में बदलाव होने पर दिल्ली NCR की हवा दूषित हो जाती है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप का प्रावधान किया गया है। ग्रेप में 4 चरण हैं, जिन्हें प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए क्रम अनुसार लागू किया जाता है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव के अनुसार ग्रेप को 4 चरणों में लागू किया जाएगा। इन सभी चरणों में अलग अलग तरह के प्रतिबंध लागू होंगे। जैसे जैसे वायु की गुणवत्ता का स्तर खराब होगा, वैसे वैसे ही प्रतिबंध भी बढ़ते चले जाएंगे। यूपी में लग सकता है विपक्षी गठबंधन को झटका, कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं सपा। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को जमीन पर उतरने से पहले ही झटका लग सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक अटकलें का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी INDIA से सीट मांगेगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीटें देगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन के अन्य दलों को अपनी छत्रछाया में चुनाव लड़ाने की है। दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता यूपी में कम से कम 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि सपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस सिंगल डिजिट से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सपा कांग्रेस को उसकी परंपरागत रायबरेली और अमेठी सीट के अलावा 3 से 4 सीटें और देने के मूड में है। इसके साथ ही सपा सहयोगी रालोद को भी 4-5 सीटें दे सकती है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कनाडा को दी नसीहत,
अभिव्यक्ति की आजादी पर सुनाई खरी खरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा पर दूसरों से सबक लेने की जरूरत नहीं है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कनाडा को लेकर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। अमेरिकी पक्ष ने इस मुद्दे पर अपने आकलन साझा किए और मैंने भारत की चिंताओं के बारे में बताया है। विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने कनाडाई लोगों को लेकर बात की। हम एक लोकतंत्र हैं और हमें अन्य लोगों से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि बोलने की आज़ादी क्या होती है। हमें नहीं लगता कि बोलने की आज़ादी हिंसा को उकसाने वाली होती है। हमारे लिए यह आज़ादी का दुरुपयोग है, आज़ादी की रक्षा नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने सवाल किया कि अगर अन्य देश भारत की स्थिति में होते, उनके राजनयिकों, दूतावास और नागरिकों को धमकी मिलती और उनकी सुरक्षा पर संकट होता तो वे क्या करते। स्कॉटलैंड में खालिस्तान समर्थकों ने की भारतीय उच्चायुक्त से अभद्रता, गुरुद्वारे में आने से रोका। खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी को स्कॉटलैंड में एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया। खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायुक्त से अभद्रता की और उनकी कार में घुसने की कोशिश की। उच्चायुक्त दोराई स्वामी गुरुद्वारे समिति के सदस्यों के साथ अल्बर्ट ड्राइव पर ग्लासगो गुरुद्वारे में मीटिंग करने वाले थे। खालिस्तानियों के विरोध के बाद उच्चायुक्त वापस चले गए। कट्टरपंथियों ने गुरुद्वारे प्रबंधन की भी आलोचना की और कहा कि ये भारतीय राजदूत का स्वागत कर रहे हैं, इन्होंने पंथ को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। खालिस्तान समर्थकों ने कहा कि यहाँ भारतीय उच्चायुक्त का स्वागत नहीं है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाढ़ का कहर, मेयर ने घोषित किया आपातकाल। दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक न्यूयॉर्क बाढ़ के कहर का सामना कर रहा है। भारी बारिश के कारण अंडरग्राउंड ट्रेन लाइनें बाधित हुई, राजमार्गों पर वाहन फंस गए और कई बेसमेंट पानी में डूब गए। लगार्डिया हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल को कई घंटे बंद रखना पड़ा। जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर लगभग 8 इंच बारिश हुई, जिसने सितंबर की बारिश के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार न्यूयॉर्क में ऐसी तबाही 1960 के डोना तूफान के बाद अब दिखाई दी है। इसके साथ ही अभी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। न्यूयॉर्क में भारी जल जमाव को देखते हुए गवर्नर केती होचुल और मेयर एरिक ने आपातकाल की घोषणा की है और लोगों से जरूरी ना होने पर घरों में रहने का आग्रह किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।